काफी अच्छा था एक्सपीरियंस. तो आई मीन जैसे आपने देखा, आपको ट्रेलर देख के लगा होगा कि कितना फन है ये और कितना अच्छा है. तो हमें शूट करते हुए भी वैसा ही फील हो रहा था. स्क्रिप्ट के लेवल से ही आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये किस जोन में बन रही है फिल्म, कैसे हम इसको अप्रोच करने वाले हैं. और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते रहे, टीम हमारी साथ में आती रही, रीमा का किरदार हो गया, दिव्येंदु का किरदार हो गया, फिर इनके दोस्त का किरदार कर रहे हैं आकाश दबाड़े, राज भंसाली हैं जो ड्रीम गर्ल में थे, काफ़ी उमदा लोग सारे इकट्ठे हुए, राजेश खट्टर जी हैं जो मेरे पिताजी का रोल कर रहे हैं, सब लोग एक साथ थे और स्क्रिप्ट इतनी मज़ेदार थी और अच्छे एक्टर्स थे, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. बाकी श्वेता बताएंगे. डिटो डिटो बिल्कुल. और बहुत ही रिफ्रेशिंग था स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने जब भी ये फिल्म 1970 के दशक में सेट है, 1975 टू बी प्रिसाइज, और उस वक्त हमारे देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी का इरा था वो. और हम जब भी आपातकाल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं हमेशा एक सीरियसनेस के साथ, बिकॉज इट इज़ अ सीरियस टॉपिक, यू नो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक बहुत ही हिस्टोरिक चैप्टर है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, हिंदुस्तान का. तो हम जब भी बात करते हैं उसके आर्टिकल्स या उसके डिस्कशंस, काफ़ी सीरियसनेस के साथ बात करते हैं. तो शुक्रानू का जब नरेशन विष्णुदेव हालदार जी जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने दिया था, तो मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग टेक लगा जी. क्योंकि एक तो इसके बारे में वैसे डिस्कस नहीं हुआ है, और जब हुआ है तो काफ़ी सीरियसनेस के साथ हुआ है. तो एक ऐसा स्टोरी जो हम यू नो बासु चैटर्जी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में देखते थे, एक साधारण आदमी की स्टोरी और उनके आसपास जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो वर्ल्ड है उससे कैसे इंट्रोड्यूस करते, तो मुझे वो बहुत प्यारा लगा कि आपातकाल के दौरान एक इंदर है जो एक आम आदमी है, उसकी आम जिंदगी है, अपनी लाइफ में जैसे जो हो रहा है, और उसके साथ जब यू नो गवर्नमेंट जब इम्पोज होता है, यू नो फोर्स स्टेरिलाइजेशन, वो इंसिडेंट लेता है, और उस एक इंसिडेंट से उसके आसपास की वर्ल्ड, उसके आसपास के कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप्स, मोरल, कॉन्फिडेंस कितना अफेक्ट करता है. शुक्रानों में मेरे किरदार का नाम है रीमा. रीमा इंदर जो दिव्येंदु प्ले कर रहे हैं उनकी वाइफ का रोल है, और सिंपल स्वीट इनोसेंट एक गांव स्मॉल टाउन की लड़की है, लेकिन अवेयर है, लाइक वो नाइव नहीं है, इनोसेंट है. और उसकी शादी हो जाती है तो उसके कुछ सपने हैं एज अ अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से, लाइफ से इन जनरल. और कैसे दिव्येंदु के कैरेक्टर को जब फोर्स स्टेरिलाइज किया जाता है उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में हालातों में कैसे डिफरेंसेस आते हैं एंड हाउ शी कोप्स विद इट, वो किरदार है मेरा. मेरे किरदार का नाम है आकृति. ये उसी इरा की दिल्ली में रहने वाली लड़की है, पहलवान के घर में पैदा हुई है. एक ही लड़की है अपने माँ बाप की, बाकी भाई है. तो बहुत ही प्यार मिला है, बहुत ही जो नखरे उठाए हैं घर वालों ने, कभी ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ नहीं मिली हो. लेकिन कैसे उसका कैरेक्टर एक ऐसे इंसान से प्यार में पड़ जाता है जो ऐसी एक सिचुएशन से गुजरा है. अब इस चीज़ को तो अंडू घर वाले भी नहीं कर सकते. ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पापा पापा मुझे ला के दो. ये एक ऐसी चीज़ है आपकी निजी ज़िंदगी में अगर हो जाए तो ये ज़िंदगी भर के लिए यू नो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है. तो आकृति और इंदर का बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, क्या वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस कैरेक्टर का क्या होता है उस इन्फॉर्मेशन से, ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा. बहुत बढ़िया, क्योंकि जब आप काम करते हैं, देखिए हम आर्टिस्ट हैं और हम ये फील्ड में इसीलिए आए क्योंकि हमें अपना काम इन्जॉय करना है, राइट? वरना हम तो दूसरे काम भी कर सकते हैं, यू नो अपना अपना जॉब कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बट एज एक्टर्स वी लव व्हाट वी डू. तो एक तो होता है काम अच्छा है, यू नो प्रोजेक्ट अच्छी है, स्टोरी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपका किरदार अच्छा है, उसके बाद एडेड बेनिफिट होता है जब आपके सेट पे दोस्त बन जाते हैं. आई थिंक इट्स द पीपल यू आर कोलैबोरेटिंग विद. एब्सोल्युटली, इट इज सो अमेजिंग. इन दिस प्रोजेक्ट वी आर कोलैबोरेटिंग विद श्वेता, दिव्येंदु, मी, आकाश वाज देयर. तो जब एक तरीके के आर्टिस्ट आप लोगों को मिलते हैं तो एक तरीके लाइक माइंडेड है, यू नो सेम वाइब्स है, कोई इनसिक्योरिटीज और नेगेटिविटी नहीं है. जो हमारी स्टाइलिस्ट भी है श्रेयांका, सब लोग ब्रिलियंट जॉब ऑन द फिल्म, पूरी स्टाइलिंग का उन्होंने सारा जो लुक क्रिएट किया है, हम सारे इतना चिल करते थे, कमराडरी हमारी शेयर हुई थी, एंड दैट शोज ऑन स्क्रीन, यू नो, क्योंकि हम सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट दोस्त हैं, एक्चुअली शूट पे हैं हम लोग, तो हम लोग साथ में हैं. नहीं, ऐसा शूट खत्म होने के बाद भी हम लोगों में काफी बातचीत हुई है. ये तो घर भी आई है, तो काफी अच्छा माहौल था, तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि काम कर रहे हैं. Of course, it is very special and to have your biological nothing child. Nothing against that. अगर आपको अपना biological बच्चा चाहिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है. हाँ, but 10, 12, 8, 10, 5, 6 बच्चे यार, इंडिया का पॉपुलेशन देखकर वो अवेयरनेस होनी चाहिए इंसान में भी कि आप
सेल्फिश मत हो प्लीज, सेल्फलेस होके थोड़ा सोचे तो आपको सब उनको आप वो प्रोवाइड भी करा नहीं पाएंगे तो वो मतलब फिर वो पॉपुलेशन ग्रोथ में काउंट होगा. तो जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितने आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप फैमिली प्लानिंग कीजिए. बिल्कुल, नॉट फॉर द हेक ऑफ इट. यार यूरोप वगैरह में कॉन्डम मशीन्स है, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, जगह जगह जहाँ पर होती है वेंडिंग मशीन्स है, लगा दो, यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड यू गेट अ कॉन्डम, एंड लगा दो हर जगह, क्या प्रॉब्लम है. एंड या लोगों को प्रोटेक्शन भी यूज करना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. मोर देन एनीथिंग वो यहाँ होगा ना, टू बी अवेयर ऑफ लाइक यू नो व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर गोना कंट्रोल. इट्स नॉट अबाउट मी सेइंग और श्वेता सेइंग और पीएम सेइंग और योर सीएम सेइंग. It's about your individual realizing that which situation are we in as a country, population ki kya hai wo hai, aur ye aapke personal level pe shuru hoga. Bilkul. Jab har insaan har ghar is cheez ki zimmedari lega. Absolutely. To aapka population control hoga. Mere kehne se ya kisi ki jaise wo drive tha, ye aise drive hone se nahi hota. Wo jo drive tha, wo jo socialization was very bizarre. I mean, aaj pata hai mere kai dost hain, hum street ke animals ko dekhte unhein sterilize kiya jata hai, unki ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े स्ट्रे डॉग्स की. तो मतलब वो चीज आपने इंसानों पे की है और ज्यादा नहीं, कुछ 50 साल के अंदर ही है, तो कितना 40 साल के पहले हुआ था ये, 40-45 साल पहले. तो 2020 आ गया तो काउंट नहीं कर पाता, काउंट भी नहीं कर पाता, बिकॉज ऐसा लगता है कि 30 साल पहले था 70, बट अब लगता नहीं 50 साल पहले था यार, 2020 में 20 साल पहले 2000 था. कैन यू बिलीव दैट. सो हाँ, मतलब वो तो मतलब इनह्यूमन ही चीज़ है, बिकॉज आप फिल्म के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे वो अफेक्ट करता है, और काफ़ी सेंसिटिवली यू नो इस फिल्म को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. बट आई थिंक प्रेजेंट सिनेरियो में द बेस्ट सोल्यूशन इज अवेयरनेस 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 अवेयरनेस. गवर्नमेंट इनिशिएट कीजिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए स्टेट को भी, और आई थिंक इट्स जस्ट एज एन इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए थोड़ा सा.